नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 22 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में। जहां पर एक तरफ आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से तीन बहुत ही बड़ी खबरें, बड़ी खुशखबरियां निकल कर आ रही है, वही दूसरी तरफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड टी20 सीरीज 2021 के फाइनल मैच में इंडिया लीजेंड्स ने काफी रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज की है। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल चल रही इंडिया इंग्लैंड सीरीज को आप माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। जी, इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है और साथ ही साथ यहां पर हर मैच के लिए वीवीएस लक्ष्मण अपनी टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हरा देती तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं, तो आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही सीरीज को लेकर, जहां पर अभी हाल ही में 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 3-2 से काफी ज्यादा रोमांचक जीत दर्ज की है। लेकिन भाई 5वें टी20 मैच में शानदार जीत के बावजूद भारतीय टीम पर एक बहुत ही बड़ा जुर्माना लगा है। जी हाँ, स्लो ओवर रेट के चलते भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की सैलरी पर 40% फीस का जुर्माना लगा, यानी भाई 40% सैलरी सभी खिलाड़ियों की यहां पर काट ली गई है स्लो ओवर रेट के चलते। इसी सीरीज में दूसरी बार भारतीय टीम पर यह जुर्माना लगा है। और भाई अब यहां पर टी20 सीरीज के बाद वनडे फॉर्मेट में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होने वाले हैं। 3 मैचों की शानदार वनडे सीरीज हमें देखने को मिलेगी 23 मार्च, 26 मार्च और 28 मार्च। इन तीनों तारीखों को हमें पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से महामुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि भाई दर्शकों को यहां पर COVID-19 पैंडेमिक के चलते अलाउ नहीं किया गया है, जिसके चलते भाई अब यह सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टेस्ट और टी20 में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है और भाई वनडे सीरीज के लिए भी फाइनली दोनों ही टीमों के स्कोर्स घोषित हो चुके हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर कवर कर चुके हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि भाई जोफ्रा आर्चर को इस वनडे सीरीज से आराम पर रखा गया है, जोए रूट भी यहां पर वनडे स्कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। जी, आप सभी को पता है कि 5वें टी20 मैच में टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपनिंग करने उतरे थे। विराट कोहली ने ओपनिंग करते हुए टीम इंडिया के लिए 80 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उसके बाद कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां पर उन्होंने IPL 2021 के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी। जी हां, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐसा जारी कर दिया कि IPL 2021 के पूरे सीजन में विराट कोहली ही हमें देवदत्त पड़िकल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। जी, आप सभी को पता है कि जोशुआ फिलिपी तो IPL 2021 से बाहर हो चुके हैं, जिसके बाद यहां पर थोड़ी सी मुसीबत में आरसीबी की टीम फंस गई थी कि भाई कौन करेगा ओपनिंग। लेकिन अब यहां पर यह तय हो चुका है कि विराट कोहली और देवदत्त पड़िकल हमें IPL 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स को लेकर। आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के लिए जोफ्रा आर्चर को टीम में नहीं चुना गया है, जिसके बाद वो वापस अपने स्वदेश लौट गए हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा वो फिलहाल इंजर्ड भी है, जिसके चलते यहां पर ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कि पूरे के पूरे IPL 2021 को जोफ्रा आर्चर मिस कर सकते हैं। लेकिन भाई कल यहां
यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की जो मैनेजमेंट, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऐसा बताया था कि भाई उनको बेसब्री से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की डिसीजन का इंतजार है। तो भाई यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी फाइनल डिसीजन निकल कर आ चुका है। आईपीएल के फर्स्ट पार्ट में यानी मिड ऑफ आईपीएल तक जोफ्रा आर्चर हमें पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई देंगे और भाई आधे आईपीएल के बाद ही वो राजस्थान रॉयल्स की टीम को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम को यहां पर एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा झटका लग गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि केकेआर की मैनेजमेंट ऑलरेडी आईपीएल 2021 के लिए अपने ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत कर चुकी है। काफी सारे खिलाड़ी यहां पर ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा, और फाइनली भैया अब यहां पर इस ट्रेनिंग कैंप के साथ दिनेश कार्तिक और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी भी जुड़ने के लिए जा रहे हैं। जी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा इन दोनों खिलाड़ियों को फिलहाल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फिलहाल थाने में उनका जो वो प्रैक्टिस कैंप था वो चल रहा है, वहां पर जाने के बाद उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। कुछ दिन क्वारंटीन रहने के बाद पॉलिसीज को फॉलो करने के बाद वो यहां पर आधिकारिक तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रविंदर जडेजा को लेकर। जी आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज के दौरान रविंदर जडेजा इंजर्ड हो गए थे, तब से लेकर अभी तक वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। सभी को उम्मीदें थी कि भाई यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में कमबैक करेंगे, लेकिन वहां पर भी कमबैक नहीं कर पाए। उसके बाद ऐसी उम्मीदें थी कि भाई वनडे में तो डेफिनेटली कमबैक कर लेंगे, लेकिन भाई वनडे में भी उनको यहां पर मौका नहीं मिला, उनको आराम पर रखा गया है। और भैया अभी यहां पर रविंदर जडेजा अपनी इंजरी से पूरी तरह से लगभग रिकवर हो चुके हैं और आईपीएल 2021 के पहले मैच से ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अवेलेबल दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2021 के फाइनल मैच को लेकर, जो कल इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच खेला गया। काफी रोमांचक और शानदार रहा है मैच, और फाइनल इस फर्स्ट सीजन को इंडिया लेजेंड्स की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मैच में आप सभी को पता है कि भाई यहां पर शुरुआत भारतीय टीम को खराब मिली थी, लेकिन यूसुफ पठान और युवराज सिंह की तरफ से हमें ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली, जिसके चलते 182 रनों का एक बड़ा टारगेट यहां पर इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स के सामने रखा। श्रीलंका लेजेंड्स की टीम जो ये टीम थी उस टारगेट को चेस्ट नहीं कर पाई, जिसके चलते इंडिया लेजेंड्स को यहां पर काफी ज्यादा रोमांचक जीत मिली और फाइनली भाई इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों ये है आज 22 मार्च 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से My11 सर्कल को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।